इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ये टोच बियर थी मसाल लेकर दौड़ी थी और उस वक्त ये हमारे देश के लिए काफी गर्व की बात थी और ये असाम से हैं डिब्रूगढ़ से मगर बहुत अफसोस की बात है कि ये आज एक गुमनामे की ज़िंदगी जी रही हैं जब इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2012 के लंदन ओलंपिक में तब ये जब भारत लौट कर आई थी, तो इनका काफ़ी जोर शोर से स्वागत हुआ था असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सरबंदा सोनवाल ने खुद इनका स्वागत किया था एयरपोर्ट पर और तब इनको लगा था कि शायद इनकी जिंदगी के सारे स्ट्रगल्स ख़त्म हो गए क्योंकि ये एक छोटे टी वर्कर की बेटी थी और ये अपना ग्रेजुएशन भी उसी वक्त कर रही थी मगर इनको ये नहीं पता था कि बस ये इनकी नेम फेम शान और शौकत यहीं तक है इसके बाद ये गुम हो जाएंगे जैसे और बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट गुम हो गए एक दिन इनकी पिताजी डेथ हो गई और अब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा तो इन्होंने काफी जगहों से मदद मांगी किसी ने भी मदद नहीं की आज ये आसाम के डिब्रूगढ़ के बोर स्टेट में पत्ती तोड़ने का काम करती है हालांकि इनके सपने बहुत बड़े बड़े थे और ये देश को काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकती थी मगर इनको वो सपोर्ट मिला नहीं जो सरकार से इन्हें मिलना चाहिए था और इनका ये कहना है कि अब तो इनको ये लगने लगा है कि एक पत्ती तोड़ने वाले की बच्ची एक पत्ती तोड़ने वाली लेबर ही बनकर रह गई हालांकि ने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट के तहत ये 40 ऐसे बच्चों को पढ़ाती है शाम को शिक्षा देती है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते शिक्षा स्कूल नहीं जा सकते तो ऐसे बच्चों को ये एजुकेशन देती हैं इतनी हताशा और निराशा के बाद भी ये सोशल वर्क पर लगी हुई हैं तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है हो सके तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनस को ऐसे स्पिरिट वाले लोगों को उन्हें बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो हमारे देश के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेकर आ सके